हाय बिल्कुल दोस्तों, मैं आप फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है एसएससी रीजनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखते रहेगा, और आप भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला। और इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों अपने पहला क्वेश्चन है, यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए 200 से 620 कितनी संख्या है जो 2 और 5 से पूर्ण विभाजित होगी। देखिए पहला क्वेश्चन, 200 से 600 के बीच, यहाँ कहा के बीच की बात हो रही है ना, के बीच कितनी संख्या है जो 2 और 5 से विभाजित होगी। 2 और 5 से विभाजित, ठीक है, पूरा नज़र आ रहा है। हाँ ठीक है, अब 200 से 600 के बीच की बात कर रहा, मतलब के बीच अगर इसने के दिया तो 600 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, उसके बीच की बात कर रहा है, उसके बीच की बात कर रहा है ना। और 200 भी इंक्लूड नहीं होगा, 200 से 600 के बीच की बात हो रहा है, तो यहाँ पे एक माइनस करेंगे यानी कि 599 होगा, और यहाँ होगा 200। अब 2 और 5 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2 5 10 होगा, कितना होगा 10 होगा, इसी 10 से यहाँ डिवाइड करेंगे, सिपर कट गई 20 बच गया, 10 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 59 आएगा, इसको माइनस करेंगे तो 39 बचा। तो 39 संख्या ऐसी है जो 2 और 5 से पूर्ण विभाजित होगी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसी तरह के देखिए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 12 18 24 से प्रत्येक से पूर्ण विभाजित होगी। देखो 8, 12, 18 और 24 से पूर्ण विभाजित होगी। अब छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो पूर्ण विभाजित का मतलब होता है एलसीएम, लघुतम छोटी संख्या। तो दोस्तों सबसे पहले इसको 2 से लगाएंगे, तो 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 नम 18 और 12, फिर 2 से लगाएं, 2 दून 4, 2 तिया 6, 9 ऐसे 2 छंग 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 3 बचा, 2 नम 2 तिया 6, 3 से लगाएंगे तो 1 और 3 बचा और 1 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 या 72, तो एल सी एम कितना है दोस्तों 72। अब 72 एक ऐसी संख्या मिली जो 8 से 12 से किसी भी संख्या से पूर्ण विभाजित हो गई। अब ये तो था बेसिक, अब अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो ये कहता है कि एक छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 14 21 18 35 प्रत्येक को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, 5 शेष बचे, 5 शेष बचे। देखो 5 शेष बचे, 5 शेष बचने का मतलब क्या है, देखिए 14, 21, 28 और 35। अब दोस्तों एलसीएम लघुतम लेने की दो ट्रिक, एक ट्रिक तो अपना गुणनखंड करके निकाला, और अगली ट्रिक आएगी गुणनखंड। देखो कैसे निकाल दें, 14 की दो फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 7 होगा, 21 के करेंगे तो 3 इंटू 7 होगा, इसके करेंगे तो देखो 7 दूनी 14 दूनी 28 और 35 के 7 इंटू 5, ठीक है, ये फैक्टर हो गए। अब प्रत्येक से एक एक शब्द एक एक चीज़ लेंगे, तो यहाँ से 2 ले लिया
इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें है दो, ये ले लिया और इसमें कुछ है नहीं। फिर यहाँ से सात लिया, सात ये भी ले लिया, इसका भी सात ले लिया, इसका भी सात ले लिया, है ना। हर संख्या में कॉमन अंक लिया जाएगा। फिर अब तीन बच्चा तो तीन को लेंगे, अगला और तीन कहीं है नहीं तो तीन तो लेना पड़ेगा। फिर अगला देखते दो बच्चा तो दो को लेंगे, फिर अगला पांच बच्चा तो इस पांच को भी लेंगे। दो साथी चौदह थी बयालीस और पाँच दून दस, बयालीस मतलब 420, कितना हो गया 420। अब ये कह रहा प्रत्येक देश में पांच शेष बचे, तो पांच शेष इसमें पांच ऐड कर देंगे अपन, तो कितना हो जाएगा 425 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 425 हो जाएगा। आई होप की समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला देखिए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 20, 25, 30, देखो 20, 25 और 30, और क्या दिया इसने, से भाग करने पर प्रत्येक दिशा में 8, 13, 18 शेष बचे। यहाँ 8 माइनस करो कितना बचेगा 12, यहाँ 13 माइनस करो 12, यहाँ 18 माइनस करो तो 12, यानी कि कॉमन संख्या इक्वल आ रही है, ये कॉमन संख्या इक्वल आ गई कि प्रत्येक दिशा में 12 शेष बचेगा। ठीक है, है ना। तो अब अपन 20, 25 और 30 का एलसीएम लेके देख लेते हैं। देखो 5 से लगाया, 5 चौक 20, 25 25 5 छंग 30, 2 से लगाया, 2 दून 4 5, 2 3 6, 5 दून 10, 2 9 20, 5 100 10 20, 5 100 3 300, कितने और है 300 और है। एलसीएम कितना आ रहा है इसका 300 आ रहा है। अब ये जो 12 शेष कह रहा है तो 12 माइनस कर दो इसमें से, तो कितना बचेगा 288 बचेगा, ये इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि ये इतनी संख्या को किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो 13 शेष बचेगा, इससे भाग करेंगे तो 18 शेष बचेगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है चार अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इससे भाग देने पर प्रत्येक दशम सात शेष बचे। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चार अंकों की बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होगी 9999, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। इसको 12, 18, 21, 24 से भाग देने पर सात शेष बचे। देखो 12, 18, 21 और 24, तो इनसे अगर भाग देने का मतलब है कि इसका एलसीएम ले, तो देखो 3 से लगाए, 3 चौक 12, 3 छः 18, 3 सात 21, 3 आठ 24, तो 2 से लगाए, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, 7, 2 चौक 8, 2 से लगाए 1, 3 बच्चा 7, 2 दून 4, अब एक एक बच गया कोई दिक्कत नहीं, 3 दूनी 6, दूनी 12, तीय 36 और 7 दून 14, 36 में 14 को मल्टीप्लाई कर दो तो 14 पंजे सीता 14 छः 84 का 4 सिला 8, 14 तीन 42 ने 8 40, 42 ने 8 50, 504 आ रहा है। कितना आ रहा है एलसीएम 504। अब 504 को
999 को 504 से भाग दे। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। देखो अब संख्या अपने पास है, पाँच सौ चार से 9999 को भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, 504 घटाया 9 में से 4 गए तो 5 बचे, 9 और 9 में से 5 गए तो 4 बचे, ऊपर से एक 9 को और उतार लिया, 9 पंजे 45 9 बार जाएगा, है ना, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, 9 में से 6 गए तो 3 बचे, 5 में 3 गए तो 2 बचे और 9 में से 5 गए तो 4 बचे, 423। अब इस 423 को ये शेष बचा, 423 शेष बचे, ठीक है। अब इस 423 को क्या करेंगे, तो देखिए 9999 माइनस 423 प्लस 7, वो कह रहा 7 शेष बचे, यहाँ कह रहा 7 शेष बचे तो 7 इसमें से जोड़ दो, तो इसमें जोड़ेंगे तो 9 और 7 16 का 6 असला 1 और 10 की सी पर 9 10 की सी पर 9 एक 10 माइनस 423, तो 3 में 6 गए, 6 में 3 गए तो 3 बचा, 10 में 2 गए तो 8 बचे, फिर 9 में से 5 4 गए तो 5 बचे और 9 का 9 ही 9 9583 9583 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9583। आई होप कि समझ में आ गया, बहुत बड़ा सवाल था तो कुछ मेहनत लगे तो भी करना जरूरी है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।